तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि ह्यूमन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट चल रहा है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसको स्टार्ट करने के पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फायदा यह होता है सब्सक्राइब करने से कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहता है, और शेयर करने से फायदा होता है कि आपके मित्र यार तक जो है वीडियो पहुंचता रहता है। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है ह्यूमन टीथ होता है, क्योंकि जो ह्यूमन टीथ होता है ये फिजियोलॉजी पोर्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये जो है चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे आप क्वेश्चन मिलेगा जो है वो। अब आती है कि जिस समय ह्यूमन टीथ कहते हैं, तो ह्यूमन टीथ को हम डेंटीज भी कहते हैं। टीथ जो होता है टीथ आर, इसको हम डेंटीज भी कहते हैं, डेंटीज भी कहलाता है वो। और दांतों का अध्ययन जो होता है एक प्रकार का विज्ञान, और उसको हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी जो है इसमें हम दांत का अध्ययन करते हैं। अब आती है कि दांत जो होता है ह्यूमन टीथ, तो ह्यूमन टीथ की बात करते हैं, तो अब आती है कि जो वर्टिब्रेट जंत होते हैं उसमें जो होता है टीथ पाई जाती है वो, और इन वर्टिब्रेट जंतुओं में जो होता है ये टीथ जो होता है उतना डेवलप नहीं होता है। अब आती है कि जिसमें हम टीथ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें दो अवस्था होती है, एक होता है मोनोफाउडेंट होता है, मोनोफायोडेंट, ठीक है, और सेकंड होता है डाइफायोडेंट होता जो है वो। तो ऐसे जंतु जिसके की जीवन काल में एक ही बार दांत निकलते हैं, ऐसे जंतु को हम मोनोफायोडेंट कहते हैं। अब आती है अगला होता है डाइफायोडेंट होता है, डाइफायोडेंट। अच्छा, अब आती है कि जो डाइफायोडेंट जो होता है इसमें ह्यूमन आता है वो, माने इसमें जीवन में दो बार दांत निकलता है, एक बार को हम मिल्की टीथ कहते हैं, जो एक बार दांत निकलता है उसे हम मिल्की टीथ कहते हैं, उसकी मिल्की टीथ या उसको दूधिया दांत कहते हैं, मिल्की टीथ आर, ये लैक्टियल टीथ कहलाता है वो, इसे हम लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। और इसके बाद जो होता है लैक्टियल टीथ कहलाता है, और सेकेंड टाइम जो होता है, अच्छा लेटियल टीथ में इसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है वो, परमानेंट टीथ। तो एक पर तो इसमें क्या होता है कि परमानेंट टीथ जो होता है दोबारा मिल्की टीथ जो होता है गिर जाते हैं, हालांकि उसमें भी 12 टीथ जो होता है वह अस्थाई होता है, माने कि वो नहीं गिरते हैं वो, और वह चबड़ माने क्या मतलब कि मोलर टीथ होता है जो कि परमानेंट होता है, वो नहीं गिरता है। और इसके बाद क्या होता है, बाकी जो टीथ होते हैं दोबारा गिर करके वो दोबारा फिर निकलते हैं, इसलिए ह्यूमन जो होता है वो डाइफायोडेंट कहलाता है। अब आती है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ह्यूमन की खास क्वालिटी क्या होती है, कि ह्यूमन जो होता है ह्यूमन थीकोदंट होता है, थीकोदंट। अच्छा, थीकोदंट की हिंदी क्या होती है, गर्त दंती होता है, गर्त दंती। तो गर्त माने क्या होता है, गहराई में। तो जिस समय दांत जो होता है गहराई में माने हड्डियों में फिक्स्ड होते हैं, उस देखिए यहां पर ये जो रूट है ये यहां पर देखिए हमारे दांत जो है काफी गहराई में स्थित होते हैं, माने जो हड्डी होती है जो मतलब की जो हड्डी होती है बोनी साकेट उसको बोलते हैं वो जो कहलाता है बोनी साकेट कहलाता है, बोनी साकेट आर, उसको हम एल्बुलस बोलते हैं, कहते हैं वो एल्बुलस कहलाता है, उसी में जो होता है दांत फिट होते हैं वो। तो इतना पोर्शन देखिए रूट का पोर्शन है वो, और ये जो है ये हड्डी फिट होती है वो, ये रूट वाला पोर्शन होता है ये हड्डी में फिट होती है वो, इसको बोनी साकेट आर एल्बुलस कहते हैं। इसके बाद नेक पोर्शन होता है,
तो जो नेक पोर्शन होता है ये हमारे गम में, गम वाली मसूड़ी में स्थित होते हैं। इसके बाद इतना पोर्शन जो है एक बाहर निकल दिखाई पड़ता है जिसमें स्टाइनिंग होती है, इसको हम क्राउन पोर्शन कहते हैं। तो क्राउन पोर्शन जो चमकीला पोर्शन कहलाता है इसको हम इनेबल कहते हैं। वो तो इनेबल बच्चों जो होता है एक चमकीला भाग जो दिखाई पड़ता है एक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है वो, इसलिए जो होता है ये इनेबल जो होता है ये चमकीला दिखाई पड़ता है। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो इनेबल होता है वो, क्योंकि ये इनेबल जो है इनेबल की खास क्वालिटी क्या होती है कि ये जो होता है फौलाद से टकराने के बाद इसमें जो होती है वो चिंगारी निकलती है, और यह कैल्शियम माने कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से यह बना होता है वो। इनेबल के ठीक नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है वो, इनेबल के ठीक नीचे जो है वो डेंटाइन होता है वो। अच्छा अब आती है कि इसके बाद इनेबल जो होता है और इसका दांत का शेष भाग जो होता है वह सीमेंटम एक पदार्थ होता है उसको सीमेंटम कहते हैं वो, सीमेंटम। तो सीमेंटम नामक पीले पदार्थ से जो होता है दांत का शेष भाग बना होता जो है वो, और हड्डी से भी ये पदार्थ जो है अधिक कठोर और आवरण होता है वो। इसके बाद डेंटाइन होता है वो, डेंटाइन पोर्शन। डेंटाइन पोर्शन के नीचे जो होता है एक पल्प कैविटी होते हैं, पल्प कैविटी जो होता है इसमें पल्प कैविटी इसको गुहा बोलते हैं। इसी में जो होता है नर्व सेल और ब्लड, ब्लड की कैपिलरी इसी में सप्लाई होती है जिसे कि हम पल्प कैविटी कहते हैं। अब आती है कि ये जो पोर्शन होता है इसको जिंजिबा माने कि मसूड़े में फिक्स होता है। इसके बाद क्या होता है कि पोर्शन सीमेंटम हो गया, नेक्स्ट होता है इसी में माने क्या मतलब कि इसी में अनेकों कैनाली कुलाई होते हैं वो, अनेकों जो होता है कैनाली कुलाई होते हैं। अच्छा अब आती है कि इस केस में क्या होता है, अच्छा एक बात और होती है कि जो एप्पल कैविटी होती है इसके चारों ओर शाखांवित जो होता है दंत कोशिकाओं का आवरण होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं वो, इसे हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ये होता है वो। अब आती है कि इसके नीचे पोर्शन देखिए, यहाँ पर जो रूट होती है तो ब्रांचेज ऑफ एल्बुलर एबिसल्स और नर्व्स, ये पोर्शन नीचे निकल करके जो होता है नर्व सप्लाई होती है। तो बच्चों इतना पोर्शन जो होता है ह्यूमन टीथ का रहा, ये जो होता है क्या स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टीथ का रहा। तो अब आती है कि थिकोडंत क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये रूट जो पोर्शन होता है तो माने कि इसी बोनी साकेट में हमारे दांत जो होते हैं गहराई में फिक्स होते हैं, और दांत का डॉक्टर जो होता है डेंटिस्ट जब जिसमें दांत को बाहर निकालता है तो पूरी ताकत से दांत को बाहर खींचता है वो, क्यों, क्योंकि हमारे दांत का अधिकांश भाग जो है वो इसी बोनी साकेट में फिक्स होता है वो। अब आती है इसके बाद देखिए गम पोर्शन, ये रूट जो पोर्शन होता है ये देखिए हमारे दांत जो है ठीको दंत माने गर्दंती होता है, क्योंकि अधिक मतलब कि जो रूट पोर्शन होता है ये बोनी साकेट फिक्स होता है और इसको रूट बोलते हैं, और दांत के डॉक्टर जो होता है ये काफी जिसमें दांत खराब हो जाता है तो क्या करता है दांत जब डॉक्टर डेंटिस्ट जब दांत को बाहर निकालता है तो पूरी ताकत से दांत को बाहर खींचता है वो, क्योंकि ये जो रूट होती है वो क्या काम करती है कि दांत को मतलब कि पूरा मसूड़ी से क्या करती है वो दांत को पूरा फिक्स किए रहती है वो। अब आती है इतना पोर्शन नेक होता है, इतना पोर्शन क्या होता है क्राउन होता है वो, तो हमारे दांत जो होते हैं वो गर्त दंती होते हैं वो। अब आती है कि मनुष्य के मुंह में जो होता है दांत के प्रकार, अब आती है कि टाइप्स ऑफ टीथ आता है, टाइप्स ऑफ टीथ। तो अब आती है कि क्योंकि मनुष्य जो होता है इसमें जो होता है
टाइप्स ऑफ जब टाइप्स ऑफ जब टीथ की बात करते हैं तो मनुष्य जो होता है हेट्रोडोंट होता है, वो हेट्रोडोंट माने इसकी हिंदी क्या होती है, वो इसकी हिंदी होती है विषम दंती होता है। वो विषम दंती माने मनुष्य के मुंह में चार प्रकार के दांत होते हैं, वो एक होता है इंसिसर, इंसिसर और इसकी हिंदी होती है कृंतक होता है वो, और सेकंड होता है कैनाइन, प्रीमोलर और फोर्थ होता है मोलर होता है वो। तो कृंतक और इसको कहते हैं रुदनक, इसको कहते हैं अग्रचर्वणक, और इसको कहते हैं चबाड़क, चबाड़क कहते हैं। तो इंसर क्या काम करता है, इंसर तो इंसर जो होता है कृंतक, ये भोजन को काटने का काम करता है वो, माने भोजन काटने का काम कौन करता है, इंसर करता है वो। अगला होता है कैनाइन रजनक, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है वो। अब होता है प्रीमोलर माने अग्रचर्वणक, ये क्या काम करता है कि भोजन को माने ये दोनों चबाड़क और चबाड़क जो होते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं वो। अच्छा अब आती है कि ये तो दोनों माने कृंतक क्या होता है, भोजन काटने का काम करता है, कैनाइन रजनक भोजन को फाड़ने का काम करता है, प्रीमोलर और मोलर जो है भोजन को ये चबाने का काम करते हैं। अब आती है कि अगला होता है डेंटल, चूंकि चार प्रकार के दांत होते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं विषम दंती कहते हैं वो। लेकिन कुछ जंतु जैसे मछली हो गई और मेंढक हो गया उसमें दांत एक ही प्रकार के होते हैं वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम होमोडंट या इसको हम समदंती कहते हैं वो, इसको जो होता है हम क्या कहते हैं समदंती कहते हैं वो। अब आती है कि नेक्स्ट आता है डेंटल फार्मूला, नेक्स्ट होता है डेंटल फार्मूला या उसको हिंदी में क्या कहते हैं दंत सूत्र कहते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिसे जो लैटियल टीथ होते हैं, लैटियल टीथ या उसको मिल्की टीथ जो होता है उसका फार्मूला होता है 2102/2102 और मानिक 2 इंसर हो जाएगा, 1 प्रीमोलर 0 मोलर 2 इंसिसर 1 कैनाइन 0 प्रीमोलर और 2 जो होता है मोलर होता है। तो अब आती है कि इस ये हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा 10/2 = हो जाएगा 20 जो है वो, ये तो लैटियल टीथ का रहा जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है परमानेंट टीथ होता है, परमानेंट टीथ माने जो परमानेंट टीथ होते हैं और उसका डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123 ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 8/8 = हो जाएगा 16/2 = हो जाएगा 32 हो जाएगा जो है वो। तो अब आती है कि लेकिन लास्ट मतलब कि ये जो होता है 32 माने जो एडल्ट होता है उसके उसके मुंह में जो होता है 32 टीथ पाए जाते हैं जो है वो। इसमें जो होता है 20 टीथ होते हैं, इसमें जो होता है 32 टीथ पाए जाते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो बच्चों मोलर जो टीथ होता है उसमें सबसे लास्ट में 17 से 21 साल में माने 17-21 ईयर्स में एक टीथ निकलता है और उसको कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं वो, विजडम टीथ कहलाता है। तो बच्चों विजडम टीथ जो होता है जब निकलता है बहुत तेज दर्द होती जो है वो, क्यों, क्योंकि ये जब निकलता है तो बहुत तेज पेन करता है वो,
अब आती है कि विजडम टीथ जो होता है हमारे शरीर में, ये जो होता है विस्टिजियल ऑर्गन है, ये विस्टिजियल ऑर्गन है ये। हाँ तो बच्चों 17 से 21 साल में एक लास्ट टीथ निकलता है, इसको विजडम टीथ कहते हैं। तो विजडम टीथ या इसको अग्र दांत बोलते हैं, वो अग्र दांत या विजडम टीथ कहलाता है। तो लोग कहते हैं कि जब निकलता है तभी अग्र आती है। वैसे भी 17 से 21 साल जो होता है ये भी बड़ा सेंसिटिव एज होता है, और एक विजडम टीथ जो होता है एक प्रकार का मोलर टीथ होता है वो। अब आती है कि विजडम टीथ जो है विस्टिजियल ऑर्गन्स या यह एक अवशेषी अंग है, ये अवशेषी अंग माने ये जो है फंक्शन लेस है ये। अब आती है कि इसमें जो है ये बैक्टीरिया माने जीवाणु बैक्टीरिया के प्रति काफी सेंसिटिव होता है, और यह पारिया जो है इसमें पारिया जल्दी लग जाता है। तो बच्चों ये इतना टीथ के बारे में रहा जो कि बहुत उपयोगी रहा, बच्चों इसको लाइक करिएगा। अब अगला हम आपको बक्कल कैविटी का पोर्शन चल रहा है, अब अगले आपको हम जीवा और लार के बारे में स्टडी कराएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगला भी वीडियो देखिएगा बच्चों, इसको लाइक करिएगा। धन्यवाद।